Good morning to everybody. Welcome to our Anantha AP in the DSC YouTube channel. My name is Kamalakar. Hindi Sahitya ki bhag saath mein kaun si mahatvapurna prashna hai, iske bare mein hum ab charcha karenge. Pahla prashna, Aashu anuvad ka dusra naam kya hai? Aashu anuvad ka dusra naam vatanuvad hai. दूसरा प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरम उत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? 12 सती से ही 14 सती तक माना है. डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12 सती से ही 14 सती तक माना है. तीसरा प्रश्न, पाठ को पढ़ने की एक शैली का संबंध किससे होता है? पाठ को पढ़ने की एक शैली का संबंध संरचनावाद से होता है. चौथा प्रश्न, साहित्य सर्जन का आधारभूत तत्व क्या है? साहित्य सर्जन का आधारभूत तत्व मनोभाव है. पांचवा प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण पुस्तक के रचयिता कौन है? सुखदेव प्रसाद. पर्यावरण संरक्षण का पुस्तक रचनाकार कौन है? सुखदेव प्रसाद. छठवी प्रश्न, पार उतरी कहा जाइए हो किस विधा में है? पार उतरी कहा जयो विधा यात्रा विधा में है. और उसके बाद सातवीं प्रश्न, कवियों में सौम्य संत पुस्तक कौन लिखा है? कवियों में सौम्य संत इस पुस्तक की रचनाकार बच्चन है. आठवीं प्रश्न, लिखना वाली के लेखक विद्यापति है. लिखना वाली के लेखक विद्यापति. अजनबीपन एलियनेशन के लिए इनमें से कौन सा प्रचलित नहीं है? अजनबीपन के लिए इनमें से कौन सा प्रचलित नहीं है? परायापन प्रचलित नहीं है. दसवीं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है. पुरानी हिंदी उत्तर अपभ्रंश को कौन कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाला कवि कौन है? अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाला कवि मैथिली शरण गुप्त. कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाला कवि मैथिली शरण गुप्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी का व्याकरण सबसे पहले लिखा? जोतुआ केटलर ने विदेशी विद्वान है हिंदी का व्याकरण सबसे पहले लिखा है. जोतुआ केटलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पाठ पर बल किसमें दिया गया है? स्त्री पाठ पर बल स्वच्छंदतावाद. स्त्री पाठ पर बल स्वच्छंदतावाद में बल दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी चंपू के लेखक कौन है? उर्वशी चंपू के लेखक प्रसाद है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
गद्य के नये के आया, गद्य के नये के आया। एक कौन लिखा है? ओम प्रकाश सिंगल लिखा है। ओम प्रकाश सिंगल गद्य के नये के आयाम को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर से निकलने वाले विश्व बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? लाहौर से निकलने वाले विश्व बंधु पत्रिका के संपादक कौन है? आंसर, मुक्ति बोध। मुक्ति बोध लाहौर से निकलने वाले विश्व बंधु पत्रिका के संपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकता बोध के नाटककार कौन है? आधुनिकता बोध के नाटककार लक्ष्मीकांत वर्मा, आधुनिक बोध के नाटककार लक्ष्मीकांत वर्मा है। प्रश्न की संख्या 9, नीलाम घर किसका नाटक है? नीलाम घर राजेंद्र कुमार शर्मा। नीलाम घर का किसका नाटक है, कौन लिखा है? ये तो नाटककार राजेंद्र कुमार शर्मा है। प्रश्न की संख्या, नेक्स्ट, घायल शहर की एक बस्ती कहानी, घायल शहर की एक बस्ती कहानी कौन लिखा है? मोहनदास नैमी सराय, मोहनदास नैमी सराय ने घायल शहर की एक बस्ती कहानी लिखा है। मोहनदास नैमी सराय। नेक्स्ट, नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की है? नुक्कड़ नाटक की शुरुआत सुदर्शन मजीठिया ने किया है। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत सुदर्शन मजीठिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा की नाटक है। शकुंतला की अंगूठी किसका है? सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, चेहरे चेहरे किसके चेहरे इसका नाटक कौन है? गिरिराज किशोर के नाटक है। चेहरे चेहरे किसके चेहरे के नाटककार गिरिराज किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धक्का पंप किसका नाटक है? धक्का पंप राजेश जैन के नाटक है। धक्का पंप राजेश जैन के नाटक है। नेक्स्ट, संस्कार को नमस्कार, संस्कार को नमस्कार रचना किसकी है? संस्कार को नमस्कार कुसुम कुमार की रचना है। कुसुम कुमार की रचना संस्कार को नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष गातोट द्वारा लिखी जीवनी पहाड़ से ऊंचा आदमी किसके जीवन पर आधारित है? सुभाष गातोट द्वारा लिखी जीवनी पहाड़ से ऊंचा आदमी किसके जीवन पर, पहाड़ से ऊंचा आदमी किसके जीवन पर आधारित है? कौन लिखा है? सुभाष गातोट ने लिखी गई जीवनी, जीवनी किसी के जीवन पर आधारित है? दशरथ मांझी, दशरथ मांझी के जीवन के आधार पर पहाड़ से ऊंचा आदमी जीवनी सुभाष गातोट द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला रामकृष्ण मिशन द्वारा, निराला रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन कार्य से कब जुड़े हैं? 1922 में से जुड़ा है। निराला रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या है?
समन्वय। इस समन्वय पत्रिका के संपादन कार्य कब से जुड़े हैं? 1922 से जुड़े हैं। निराला 1923 से 1924 में किस पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल हुई है? निराला 1923 टू 1924 में किस पत्रिका के मत वाला पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल हुए है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्तर का वास्ते रेखा चित्र कौन लिखा है? सिस्तर का वास्ते महादेवी वर्मा ने लिखा है। सिस्तर का वास्ते महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र क्या है? सिस्तर का वास्ते। प्रश्न की संख्या नेक्स्ट, किस उपन्यासकार को प्रेमचंद ने भारत का गोरकी कहा जाता है? प्रेमचंद ने भारत का गोरकी कहा जाता है किस उपन्यासकार को? उपन्यासकार का नाम क्या है? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र को प्रेमचंद ने भारत की गोरकी कहा जाता है। नेक्स्ट, द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है अलंकारिता, लेकिन द्विवेदी युग की विशेषता है क्या क्या है? राष्ट्रीयता, सामाजिक समस्या और प्रकृति चित्र, ये सभी नहीं है। इसका द्विवेदी युग की विशेषता नहीं क्या है? अलंकारिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हिंदु युग की विशेषता नहीं है। भारत हिंदु की विशेषता छंदों की विविधता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी नाम का समर्थन किया है? इनमें से किसने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी नाम का समर्थन किया? कौन? पुरुषोत्तम टंडन। पुरुषोत्तम टंडन ने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी नाम समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने किस कृति को जातीय चेतना का काव्य कहा है? जातीय चेतना का काव्य कहा गया किसी को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है पृथ्वीराज रासो को जातीय चेतना का काव्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदत से अखड़ स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? आदत से अखड़ स्वभाव से फंकड़ किस कवि का उपनाम है? कबीर का। आदत से अखड़ स्वभाव से फक्कड़ उपनाम कबीर का है। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारु चंद्र की चंचल किरणे नर हो ना निराशा करो मन को, अर्जुन की प्रतिज्ञा मनुष्यता प्रतिशोध मुझे फूल मत मारो निरख सकी ये कंजन आए सकी वे मुझसे कहकर जाते, रचना ये किसका है? मैथिली शरण के रचना ये है। मैथिली शरण की रचना ये चारु चंद्रन की चंचल किरणे नर हो ना निराश करो मन को, अर्जुन की प्रतिज्ञा मनुष्यता प्रतिशोध मुझे फूल मत मारो निरख सकी ये खंजन आए सकी ये मुझसे कहकर जाते, ये रचना ये मैथिली शरण गुप्त जी के रचना ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। निराला की कविता जूही की वाली उदाहरण, मुक्त चंद के उदाहरण है। निराले की कविता जूही की कली मुक्त चंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम घाता नाटक प्रकाशन वर्ष
यम गाथा नाटक प्रकाशन वर्ष 1990 यमा गाथा नाटक प्रकाशन हुआ है कौन सी ईयर में 1990 वर्ष में नाटक का प्रकाशन हुआ है कौन सा नाटक यम गाथा नाटक नेक्स्ट क्वेश्चन यम गाथा नाटक के नाटककार कौन है यम गाथा नाटक का धूधनाथ सिंह यम गाथा नाटक के नाटककार है चलिए अब हम इसी दिन में इस पर इसी दिन के शेड्यूल के अनुसार कौन से महत्वपूर्ण साहित्य में प्रश्न है अब हम चर्चा की गए हैं और इसके साथ साथ और डेली आपका अपडेट्स अनंत एपीटेट हिंदी डीएससी अपडेट्स को आप यूट्यूब चैनल में देखा चाहे तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर और मैं दूसरे वीडियो और दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे बाय बाय